हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा गोवा के अंदर जो ओल्ड गोवा है। आपने ओल्ड गोवा का नाम सुना होगा, ये बिल्कुल हेरिटेज है, इसीलिए इसका नाम ओल्ड गोवा है। ओल्ड गोवा हम देखेंगे। ओल्ड गोवा में एक बड़ा चर्च है, और ओल्ड गोवा में और क्या क्या चीज़ें हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये रास्ते को ध्यान से देखो, आपको पुराना ज़माना याद आ जाएगा, इसीलिए इसका नाम ओल्ड गोवा है। दोस्तों इस वीडियो को मैं कहीं पे भी काटूंगा नहीं, ना ट्रिम करूंगा, ताकि आप इसको पूरा देख सको, आप इस रास्ते का नज़ारा ले सको। मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं भी इस वीडियो को बिल्कुल भी कहीं से कट नहीं करूंगा, ट्रिम नहीं करूंगा। यहाँ पर आप स्कूटी हायर करके आ सकते हैं, अगर आप दो से ज़्यादा लोग हैं तो गाड़ी करके भी आ सकते हैं। 250 रुपये से 300 रुपये तक आपको पर डे पे एक्टिवा या और भी कई स्कूटी मिल जाएंगी। बहुत अच्छी होंगी तो 350-400 रुपये तक मिलेंगी। पेट्रोल आपको अपना अलग से डलवाना होगा। गाड़ी जो है वो 2,000 से 2,500, 3,000, 4,000 डिपेंड करता है आप कौन सी चूज़ करते हो और किस कंडीशन की लेते हो और किस समय आते हो। दोस्तों अगर यहाँ आना है तो वीकेंड और हॉलीडे को अवॉइड करना, मेरी ये पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों इस दीवार को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि दीवार देखने के बाद हम लोगों को लगता है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने की दीवारें हैं, पुरानी है, हेरिटेज है, पर ये गोवा की ईंटें ऐसी ही होती हैं, इसी तरह की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, लोग मकान इन्हीं ईंटों का बनाते हैं। ये दिखती पुरानी जैसी है, बारिशों में इनमें काई जम जाती है, तो लगता है कि ये काफ़ी हेरिटेज होम है या पुराने होम है। शुरू शुरू में मैं भी यही धोखा खा जाता था। दोस्तों गोवा आओ, आप खूब इंजॉय करो, जो बियर शराब जो पीना है, पार्टी में जाना है, जो करना है वो आप करो। बस इतना ज़रूर ध्यान रखना, मेरी रिक्वेस्ट है, गोवा में गंदगी मत फैलाना, रास्ते पर सड़क पर शोर शराबा मत मचाना, वहाँ के लोकल्स को तंग मत करना, अपने शहर को बदनाम मत करना कि आप यहाँ पर आकर करोगे तो ऐसा, आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हो वो जगह बदनाम होती है। तो आप क्योंकि आप यहाँ पर या कोई भी किसी भी जगह पर आप अपने इलाके, अपने शहर, अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है साफ़ सफाई का ध्यान रखना, शोर शराबे से बच कर रहना। दोस्तों ओल्ड गोवा जो मेन ओल्ड गोवा है, जहाँ पे ओल्ड गोवा का चर्च है, ये पंजिम से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। पंजिम जो गोवा की राजधानी है, बाकी आप अलग अलग जगह से इसके अलग अलग डिस्टेंस है। दोस्तों ये ओल्ड गोवा का चर्च है, एक तरफ ओल्ड गोवा का चर्च है और एक तरफ म्यूजियम है। यहाँ पर बारूद का कारखाना, बंदूक की फैक्ट्री, इस तरह की कई चीज़ें जो अंग्रेज़ों के ज़माने में थी जब गोवा उनके कब्जे में था, तो आप देख सकते हो ये ओल्ड गोवा चर्च है। दोस्तों इन दो
पेड़ों को बड़ा ध्यान से देखना, बहुत बड़े साइज के हैं और उनकी बनावट देखना। इतना बड़ा पेड़ देखने से इन पेड़ों की दूरी देखो, ये आपस में मिले हुए और नीचे के बहुत बड़े एरिया में ये छांव दे रहे हैं। ये अब हम चर्च के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ कैमरा अलाउ होगा मैं वहाँ की रिकॉर्डिंग मैंने बनाऊंगा, और जहाँ जहाँ नहीं होगा वहाँ पे मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। और आप देखिए इसको। दोस्तों ये जो ताबूत है, ये इसमें यहाँ के फादर की मम्मी रखी हुई है, जो मम्मी बहुत पहले के ज़माने में रखते थे। कहते हैं कि इनके नाखून और बाल बढ़ते हैं। बाकी गूगल पे डिटेल लेकर के मैं आपको कैप्शन में दे दूंगा, आप कैप्शन ऑन करके पढ़ सकते हैं या आप ख़ुद भी गूगल पे जाके देख सकते हैं।
ये दोस्तों जीजस के जन्म के समय की जो झांकियां बनाई जाती हैं वो थी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना, और सच में चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सपोर्ट के लिए हौसला बढ़ता है उससे। धन्यवाद।